पकड़ो इसे, पकड़ो भाई, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। महारानी, लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। हमें जाना होगा। चाहते हो ना? ठीक है, आओ और मेरा अंत कर दो। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा जीवन। ठहराओ। क्यों मारा इस बालक को? क्या अपराध किया इसने? यह हमारे समाज के लिए घातक है। घातक? कैसे? क्योंकि इस बालक का कोई पिता नहीं है, कोई गोत्र नहीं है। अगर ये बालक जीवित रहा तो एक गोत्रहीन परंपरा की स्थापना होगी। ये कुलहीन है, गोत्रहीन है, इसका निर्णय तुमने कैसे कर लिया? ये निर्णय हमारा नहीं है, हमारी राजकीय धर्म सभा का है, और धर्म सभा का निर्णय हम सबको मानना पड़ता है। क्या तुम्हारी धर्म सभा ये नहीं जानती, जो मनुष्य जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं? कुल और गोत्र से बढ़कर है मानवता, जीने का अधिकार। हमें ज्ञान मत दो। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना देवव्रत के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। तुम लोग इस बालक को छू भी नहीं सकते। कौन हो आप? कपोत बाज से, शावक सिंह से, और कायर सम्राट से उसका परिचय नहीं पूछा करते। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। राजा विक्रमादित्य? भागो, 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 भागो। राजन, आपने मेरा जीवन बचाकर अच्छा नहीं किया। मेरा कोई कुल नहीं, कोई गोत्र भी नहीं, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार भी नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है इसका कोई कुल और गोत्र ना हो। तुम्हारा कुल और गोत्र वही है जो तुम्हारे पिता का है। परंतु राजन, मेरा तो कोई पिता ही नहीं है। ये कैसे संभव है? हाँ महारानी, यही तो मेरे जीवन की विडंबना है। मेरी माँ ने मुझे यही बताया था कि मेरा कोई पिता नहीं है, उन्होंने मेरी अकेले ही परवरिश की है। अकेले परवरिश? हाँ महारानी, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ वो मुझे नगर भेजकर स्वयं सन्यास के लिए चली गई। उस दिन से आज तक मैं अपमान और अत्याचार ही सह रहा हूँ, और अब मैं थक गया हूँ इस जीवन से। सच कहते हैं समाज वाले, जिसका कोई पिता नहीं उसे जीने का कोई अधिकार भी नहीं। देवव्रत, ऐसा नहीं कहते। समाज चाहे कुछ भी कहे, प्रकृति जिसे जन्म देती है
उसे जीने का पूर्ण अधिकार भी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। हम तुम्हारे कुल और गोत्र का पता लगाएंगे। कहाँ है तुम्हारी माँ, बताओ हमें। राजन, अब तेरे धर्मज्ञ होने की परीक्षा आरंभ होती है। देखना यह है कि जिस बालक के साथ धर्म नहीं अधर्म किया है, उस धर्म के विरुद्ध जाकर कैसे सिद्ध होते हो तुम धर्मज्ञ। कहा था ना कि तुम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो, फिर यहां क्यों आए? वो ये जीवन की बात कर रही देवी, ये जानते हुए भी कि बिना कुल गोत्र पिता के नाम के इसके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल होगा, आपने इसे भेज दिया। आप कौन हैं? माँ, ये उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य हैं। इन्होंने ही मेरी प्राणों की रक्षा की है। राजन, आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की, उसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी राजन। किंतु मैंने अपने पुत्र से कुछ भी नहीं छुपाया राजन। हमको समझे नहीं देवी, क्या कहना चाहती हैं? राजन, सत्य तो ये है कि मैं स्वयं भी नहीं जानती किसके पिता कौन है। देवी, आपके आंसू बता रहे हैं कि आपने जीवन में किसी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना किया है। कृपया आप हमें बताइए बात क्या है। कुछ 12 वर्ष पहले की बात है। मैं काल शमनाय पर्वत पर स्थित भैरव पंथी दंतेश्वर की सेवा में थी। उन्हें और उनके शिष्यों को अनेकों सिद्धियां प्राप्त हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी भैरव साधना के लिए आज किसी चौपाया जीव का रक्त नहीं मिला। कोई बात नहीं देवी, कलश आगे करो। सामग्री की व्यवस्था करो। प्रणाम गुरुदेव। वो मठ ऐसा था
जिसकी साधारण मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहाँ जो चाहो अपने आप मिल जाता था, सब कुछ संभव था वहाँ। एक से बड़े एक सिद्ध दिव्य शक्तियों को धारण करने वाले भैरव पंथ ही रहते थे वहाँ। किंतु मैं नहीं जानती थी कि यही मठ मेरे लिए नर्क सिद्ध होगा। नर्क? भैरव पंथियों का मठ और नर्क? विस्तार से कहिए देवी, क्या हुआ था आपके साथ? श्राद्ध पक्ष का समय था, मुझे अचानक पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब संभव कैसे है। मैं तुरंत ही मठाधीश ऋषि दंतेश्वर के पास गई। ये क्या अनर्थ बातें कर रही हो प्रभावती? गुरुदेव, हमें ये ज्ञात नहीं हमारे साथ ये सब कैसे घटित हुआ। गुरुदेव किंतु गुरुदेव, जो भी हुआ है इस मठ में ही हुआ है। जिस पापी ने हमारे साथ ये अधर्म किया है वो पापी यही कहीं है। गुरुदेव, मन तो कर रहा है इस पापिन को यही भस्म कर दूं मैं। गुरुदेव, सत्य तो ये है कि ये प्रभावती कुल्टा है, कुलच्छनी है, चरित्रहीन है। इसे इस मठ में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जा तू यहाँ से। प्रभावती, तुम अब इस आश्रम में रहने के योग्य नहीं हो। हमारा क्या अपराध है? मेरा क्या अपराध है? तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे घटित हुआ, ये हम नहीं जानते। परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि हमारे मठ का कोई भी साधक इस अपराध में सहभागी नहीं हो सकता। तुम्हें ये मठ तुरंत छोड़कर जाना होगा। नहीं गुरुदेव, हम कहीं नहीं जाएंगे। गुरुदेव, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ए स्त्री, तू कहीं भी जा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। पर तू इस मठ की पवित्रता को और भंग नहीं कर सकती, चरित्रहीन स्त्री। किंतु हम चरित्रहीन नहीं है, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ इसी मठ में हुआ है। चुप कर कुल्टा स्त्री, तू हम पर लांछन लगा रही है। हम भैरव पंथी संतों के चरित्र पर लांछन लगा रही है। कपाली, इसे इसी समय यहाँ से बाहर निकाल दो। हाँ भुजंग, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। काल भैरवाय नमः। राजन, मैं तो उसी समय अपने प्राणों का अंत कर देती, किंतु इस मासूम सी जान के लिए मुझे जीना पड़ा। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने पुत्र से कुछ भी छुपाया है राजन? नहीं देवी, अब धन्य है, और धन्य है संसार की हर माँ और उनकी ममता। ये संसार की विडंबना ही है कि जो स्त्री मनुष्य का चरित्र रचती है वही मनुष्य उसे चरित्रहीन सिद्ध कर देता है। आप पवित्र हैं देवी, आप चिंता मत कीजिए। आपके पुत्र देवव्रत को न्याय हम दिलाएंगे, ये वचन है राजा विक्रमादित्य का। चलिए, हमें उस मठ में ले चलिए। अवश्य।
जिन भैरवपंथियों से उस स्त्री को न्याय दिलाने की बात तू कर रहा है वे इतने शक्तिशाली है कि देवों को भी परास्त कर सकते हैं। परीक्षा तेरी बहुत कठिन है राजन। जब बालक के साथ ही धर्म ने अधर्म किया है तो उस धर्म के विरुद्ध जाकर कैसे सिद्ध हो सकता है तू धर्मज्ञ? कोई भी नहीं है। ए युवक, किसे ढूंढने आए हो इस मठ में? कौन हो तुम? क्या परिचय है तुम्हारा? कपोतवाद से शावक सिंह से और पापी सम्राट से उसका परिचय नहीं पूछा करते। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। यहां क्या ढूंढने आए हो सम्राट? स्त्री के साथ हुए धर्म का हिसाब करने। आपके मठ के किसी पापी ने इनके साथ अधर्म किया है। अब समय आ गया है जब उसे दंडित किया जाए। सम्राट, इस चरित्रहीन स्त्री को इस पवित्र मठ में लाने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? और तू चरित्रहीन स्त्री, और ये तेरा कुलहीन पुत्र, धर्म सभा ने तो इसे मृत्यु दंड का आदेश दिया था, ये अब तक जीवित क्यों है? ये जीवित इसलिए ताकि इसके साथ न्याय हो सके, ये सच जान सके, जान सके कि इसका पिता कौन है, इसकी माता का अपराधी कौन है, इसकी माता के दुखों का कारण। राजन, तुम ये कहना चाहते हो कि यह बालक इस पवित्र मठ के किसी साधक के कर्मों का पाप है? अवश्य। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? ये स्त्री जो स्वयं चरित्रहीन है। राजन, हम भैरवपंथी हैं और हमारा चरित्र इस हिमखंड की भांति उज्जवल है। आपके मठ के किसी पापी ने आपके पंथ पर कलंक लगाया तब आपने कुछ नहीं किया, और आप अभी कह रहे हैं कि आप धर्म के रक्षक हैं। तुमने आज हमारे मठ पर नहीं, हमारे जीवन भर के साधना पर उंगली उठाई है। आज मैं ये घोषणा करता हूं, यदि तुम ये सिद्ध कर सके कि ये बालक हम में से किसी का पुत्र है तो मैं ये मठ छोड़ दूंगा। अपने जीवन भर की साधना का त्याग कर दूंगा, अपना केश मुंडवा लूंगा और जो भी दंड तुम मुझे दोगे वो स्वीकार कर लूंगा। हाँ हाँ, स्वीकार होगा, स्वीकार होगा, परंतु तब तक तुम्हें हमारे विरुद्ध एक भी शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब जाओ और प्रमाण लेकर के आओ। पंथियों को चुनौती देकर अपने पराजय की घोषणा करती है। इस संसार में केवल एक ही शक्ति है जो भैरव पंथियों से जीत सकती है, वो है स्वयं महाकाल भैरव। काल भैरव, इस संसार में कुछ दुष्ट पापी और पाखंडी अघोरी
आपके पंथ को भ्रष्ट कर रहे हैं, आपकी दिव्य सिद्धियों का प्रयोग अधर्म के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा, इस संसार का भैरव पंथ से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे ही कुछ दुष्ट और पाखंडी लोग एक स्त्री और उसके पुत्र के लिए संकट बने हुए हैं। हमें उन्हें न्याय दिलाने की शक्ति दीजिए। हमारे पास हमारा पुरुषत्व तो है, किंतु हमें अपने भीतर स्त्रीत्व तो जगाना होगा, ताकि हम उन पाखंडियों का भेद खोल सके। हमें शक्ति दीजिए। अब समय आ गया है, जो अधर्म तुमने किया है उसे तुम स्वयं ही स्वीकार करोगे।